बिलहरी पंचायत के प्रधानमंत्री आवास के पात्र ग्रामीण जिन्हें सरपंच सचिव की मिलीभगत से अपात्र कर दिया गया है, ऐसा कहना सीईओ कार्यालय पहुंचे ग्रामीण हितग्राहियों का है। आपको बता दें कि इससे पहले बिलहरी पंचायत उपसरपंच द्वारा पूर्व में इसकी शिकायत विभाग को की गई थी, जिसमें जनपद द्वारा जांच दल 5 सदस्यीय टीम गठित कर जांच की गई। उसके बाद जांच दल द्वारा आगे की कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके कारण हितग्राहियों में विभागीय कार्यप्रणाली पर कहीं न कहीं रोष व्याप्त है और अपात्र किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सहाट ग्रामीण सीईओ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को पत्र देकर इससे फिर से अवगत कराया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तक अपात्र किए हुए ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी तक वंचित हैं। पूर्व में भी विभाग को इसकी सूचना दी गई थी, मगर विभागीय कार्रवाई में खानापूर्ति कर संबंधित शिकायत को दबा दिया गया, जिससे आज आक्रोशित होकर ग्रामीण हितग्राही जिला पंचायत सीईओ कार्यालय पहुंचे और मीडिया से कहा, अगर हमारी शिकायत को नहीं सुना जाता है तो हम जितने अपात्र किए हितग्राही हैं वह सब मिलकर धरने पर भी बैठेंगे, और इसके बाद भी अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सब अपात्र किए गए ग्रामीणों द्वारा आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। क्या क्या आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला है सर, वही बस बोलते हैं 10-20 हजार दे दो हमको तो राजी हो जाएंगे, तो दे देंगे 10-20 हजार। कौन मांगता है आपसे पैसा? वही सच सरपंच मांगते हैं। कहते आप लोगों को हमको आवास नहीं दिया जाए, जो सरकार का लाभ मिल रहा है हमारे न सचो देता है न सरपंच देता है, और हमको दाखी भी भगा देते हैं, कहता है कि हमको जब 20 हजार रुपया दोगे ना जब हम तुम्हारा पात्र करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे ना, हमारा पास कुछ है। किस पंचायत का मामला है ये? बिलहरी पंचायत का मामला। 20 हजार किसने मांगा? सचो सरपंच दोनों मिलके खाते हैं पैसा। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का वे गौरी शंकर। सचिव का? सचिव का रतन यादव। तो 20 हजार रुपए किसी से मांग किया? गरीब आदमी कहाँ से ला के दें, खाने को तो कमा के तो खाते हैं, रोज ही ना लाते हैं तो खाते हैं, करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। तो आपने पैसा नहीं दिया तो आपका नाम काट दिया गया? काट दिए हैं सब। आदमी शिकायत कहीं किया था इससे पहले? आपने किए हैं, यहाँ कलेक्टर आए हैं और यहाँ आए हैं जिला पंचायत के आए हैं सब में। आज किस लिए सब लोग आए इकट्ठे हो गए? आज नहीं, 3-4 बेर आए, सबको यही है हाल है कि मतलब किसी को नहीं दिया जाए। आज आने का पीछे क्या मकसद आप लोग का? आज किस लिए आए हैं? आज इसी के लिए आए हैं कि जो हमारा नापात्र किए हैं तो उसको अपात्र करें, हमको जो पैसा राशि यहाँ से सरकार से मिलती है वो हमको दिया जाए, घर मकान के लिए हम बनाने के लिए सबको तैयार। कितने लोगों की सूची से नाम हटाया गया है? ये जितने सारे कम से कम 60-65 आदमी। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को अपात्र किया गया था पंचायत स्तर से, जिसमें सरपंच सचिव एडीओ पीसीओ द्वारा, जिसकी मैंने शिकायत किया था, जिसकी शिकायत पर जनपद द्वारा एक टीम 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, तो जांच दल द्वारा 1/6/2021 को इन सभी लोगों को पात्र किया गया था, लेकिन पात्र करने के बाद फिर पंचायत द्वारा इन लोगों की 13/9/2021 को इनकी पोर्टल से आईडी हटा दिया गया, जिसको इनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा। कितने लोग हैं ये? यहाँ पे 65 लोग पात्र हुए थे, जिनमें से 12 लोगों की आईडी डिलीट नहीं है, बाकी लोगों की आईडी डिलीट कर दी गई। ये सारी समस्या किस ग्राम पंचायत की है? ग्राम पंचायत बिलहरी। यहाँ कितने लोग आए हैं इसको ज्ञापन देने? ये 40 लोग आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद शंकर शर्मा। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, क्या वजह है आप मान रहे? सुनवाई हम ये सोच रहे हैं, एक साल से परेशान है, जबकि ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी कई बार आपने इसकी बड़ी प्रमुखता से आवाज़ उठाई, लेकिन यहाँ तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर सब ले दे के यहाँ पर काम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तभी तो आज तक कार्रवाई नहीं हुई, अन्यथा सीधा सीधा है। इसके पहले भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि मृत लोगों के नाम से, जिनकी 2017 में मृत्यु हो गई है और 2018 में उनके नाम से पैसा निकाल लिए, और जो ये ST SC के लोग, दलित गरीब लोग हैं, इनकी आज भी ये आवास को भटक रहे हैं, इनको आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि इनके नाम लिस्ट में है। आप लोग जिला पंचायत में आए हैं किस लिए आए, क्या हो, किस समस्या को लेकर? अपात्र कर दिया गया है हम लोगों को। किस वजह से किया अपात्र? इस वजह से कि मैंने पूछा था, वो वोट मांगने आए सरपंच जी की, तो मैंने कहा कि उद्देश्य विचार क्या है आपके, बस उस बात को लेके आपको अपात्र कर दिया जी। कैसा उद्देश्य विचार? मतलब सरपंची में खड़े हो रहे हैं तो आपके विचार क्या है, उद्देश्य विचार क्या है, गांव में क्या करेंगे, क्या करवाएंगे आप, ये बात मैंने पूछा तो उस विषय को लेके और कैंसिल कर दिया मैंने। कब की बात थी? जब चुनाव हो रहा था, जब चुनाव में खड़े थे। सूची की लिस्ट कब जारी हुई थी? ये 2016 से। कहाँ से आए आप? बिलहरी।
कौन सरपंच है? पुरुषोत्तम लाल साहू, गौरी शंकर गोस्वामी। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।